ये इसमें जा रहा है भैया, इससे पाइप से। और ये क्या? ये प्रेशर बनाता है। अच्छा प्रेशर बनाता है। बहुत काला हो गया अब, देखना जरा। भैया वो निकाल दिया इसका? हाँ जी निकाल दिया, हीरा पड़ा हुआ, बिना निकाले हुए नहीं डाल सकते। अच्छा मैं पर मैं कह रहा हूँ कि जैसे ये जो है तो ये मतलब काला था या बचा हुआ था थोड़ा, कोई हो गया था ना ये भी खत्म? नहीं सही था ये ज़्यादा। अच्छा ये भी ठीक था। ये बहुत चल जाता है, ये दो सर्विस के बाद करवा देगा आप, दो तीन सर्विस के बाद चेंज। पर ये सस्ता ही आता है तो मैं सोचता हूँ कि अब कुछ चीज नहीं डल लिए तो ये भी डल जाए। वो तो सही बात है। हाँ और कभी कभी जैसे कैस्ट्रॉल का लेता हूँ तो फ्री भी मिल जाता है ये। हाँ कैस्ट्रॉल का भी फ्री है। अब ऐसे लेता हूँ तो 30-40 रुपए का पड़ जाता है, पर इस बार 50 का पड़ा। महंगा हो गया मैर भी, सामान महंगा हो गया ना, हर चीज़ ही महंगी हो गई है। महंगी वैसे तो। हाँ पर ये ज़्यादा लोगों को पता नहीं है गियर ऑयल के इसके बारे में, लोग वही डलवा देते हैं इंजन ऑयल इसमें है। मिस्त्री भी उसी भी डाल देते हैं, उनको भी पता नहीं है, ना कोई बताता है ना कोई पता है, क्योंकि इसका ग्रेड अलग है उसका ग्रेड अलग है। ये 80-90 है। एक ही में डलेगा ये? एक ही में डलेगा, मतलब एक ही जगह तुम भी लेके आए हो ये? हाँ हाँ ये हमने तो दिलाई है ना। ये सब में डलता भाई साहब, स्कूटी वगैरह में सब में डलता है। डलता है ये? नहीं पर मैंने देखा डालते हुए पहली बार है। वो डालते हैं ऐसा क्या, वो जैसा हम ना कस्टमर होते हैं हम इसे ले लेते हैं, वो गुब्बी वाला इसे बिल देते हैं, अंकल ले जाओ भाई साहब। अब इससे फायदा क्या है? इससे भाई स्मूथ है, खाना नहीं खाओगे 4-5 दिन पेट में दर्द होगा, पेट दर्द होगा ना, अब उससे ठंडी रहेगी ना। अच्छा। जोर नहीं पड़ेगा। अब गियर ऑयल पिस्टन इंजन ही मान लो एक तरफ का, हाँ तो ठंडी रहेगी ना, गंदा कुछ और डालोगे तो वो फिर घिसके चलेगी, अब स्मूथ चलेगी और ठंडी होगा इसी से होता गियर। और कितना टाइम बाद बदल देना चाहिए? ये कह रहे हैं 2 सर्विस बाद बदल देना चाहिए, पर मैं हर सर्विस का सस्ता आता तो मैं, अगर कुछ जैसे 200 का होता तब तो समझ आता है 30-40-50 रुपए। अगर तुम वहाँ से लोगे ना, मैं जैसे एक नहर के पास से लाता हूँ तो वो 30 रुपए के देते हैं अंकल मेरे को, वो भी जानते हैं। हाँ अभी और मैं जाते हैं, वो अपनी ड्यूब के लिए आता है, मैं ये लेके आता हूँ खाली कर देते। हाँ ठीक है थोड़ा बहुत निकलना। हाँ कोई दिक्कत अपने हिसाब से बेस्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है बाकी। तो अपने मोटर डलवाने के बाद इंजन के परफॉर्मेंस पे भी सही लगेगा। हाँ यही होना चाहिए भाई। ये भाई भी जा रहे हैं हमारे साथ, इनकी स्कूटी ये रही, अब इनकी स्कूटी की बारी है थोड़ी देर में। और दो भाई अपने घर पे काम कर रहे हैं वो। अरे भाई को देख के ही मैंने स्कूटी ली है। अरे पंडित जी पता लगेगी कुछ दिन बाद, 2-3 महीने बाद। हाँ इनको तो भाई जब पता लगेगी। तो देखना निकाल के कितना आया होगा, कितने पॉइंट एंड डॉट। पानी आता कहाँ से, किस चीज का पानी है ये? जहाँ से मुझे डालते वहीं से निकल आता है। अरे बताओ भाई, ये भाई अंदर से आता है। अंदर मतलब क्या मशीन लग रही है वहाँ पे, देखो साफ पानी है। हाँ साफ पानी है, पर अभी गर्म होगा। नॉर्मल नॉर्मल है। हाँ साफ सही पानी है। ठीक मुझे बताओ साइड कहाँ पे सही लग रही है। तुम्हें कैसे पता? हमारे जानने वाले